अभी भी ना सुबह के 7:15 हो रहे हैं, और वैसे मैंने कभी मतलब सालों हो चुके योगा नहीं किया होगा, पर आज सेंट्रल लोकेशन टेंट का एक फ़ायदा भी नुकसान भी। एक्चुअली सुबह सुबह यहाँ पे योगा सेशन होता है, उसकी ना आवाज़ लगातार रूम में आ रही थी, तो मन कर गया मेरा कि मैं भी आज योगा करके आऊँगी। तो मैं बता रही हूँ कभी नहीं किया, बट यहाँ पे करने को नहीं, कुछ नहीं तो देख के आती हूँ क्या हो रहा है। सो ठंड है हल्की हल्की, मतलब इतनी नहीं है, सुबह सुबह जितनी होती है वैसे ही है टेम्परेचर। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे सेशन चल रहा है, जनता एज एक्सपेक्टेड बहुत कम है। मुझे पता था इतनी सुबह सुबह कोई नहीं उठने वाला है, अगर मैं रिलैक्स करने आई हूँ तो मैं उठूँगी क्यों। बट मुझे तो क्या आवाज़ आ रही थी, अगर मेरा टेंट भी दूर होता तो मैं कभी नहीं उठ पाती इसके लिए। तो सुबह सुबह बट एक वो आदत भी है सुबह उठ जाने की, देखते हैं अभी क्या हो। एक डायरेक्शन में एक ही जगह पे कैंपिस करेंगे तो हम ऐसे लॉन्ग समय तक रह सकते हैं दोनों। So that was the yoga session, मतलब बहुत दिनों के बाद आज समझ रहे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी कम है, और मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी का इशू था। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम कभी नहीं करते हैं, बस फॉर द फन से हमने अभी कर लिया। और काफ़ी अच्छी बात ये थी कि जो इंस्ट्रक्टर थी उनके साथ एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर भी रखा गया था, सो दैट इन केस समवन हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिंदी तो उसको गाइड करने के लिए भी एक इंस्ट्रक्टर यहाँ पे अवेलेबल था। ये जो एरिया है यहाँ पे योगा सेशन हो रहा था, ये स्टेज उसका है अपना कल्चरल एक्टिविटी का, और ये जो छोटा सा हट जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में पपेट शो भी होता है, हमने नहीं अटेंड किया था। और ये एक बड़ा सा मतलब ऐसे सेल्फी पॉइंट जैसा बना रखे है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ना ये है स्काई ज़िला, मतलब इसमें वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो इन हाउस एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, बंजी जंपिंग है, फिर अपना रोप क्लाइंबिंग, ज़िप लाइनिंग, काफ़ी लंबी ज़िप लाइन है। सो वी हैव हैड आवर ब्रेकफास्ट, वेलकम टू day 3 इन रणोत्सव, और हमारा मतलब अभी बस चेकआउट है थोड़ी देर में, 9:30 का चेकआउट है, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से धोलावीरा के लिए। धोलावीरा डोज ऑफ यू डोंट नो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है जो कि यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, तो वी जस्ट थॉट व्हाई नॉट। और अभी आज हल्की सी ठंड लग रही है, बट फिर भी अब धूप आ गई है तो आई डोंट थिंक ज़्यादा देर तक ये ठंडा मौसम रहेगा। बट या दिस वॉज ऑल अबाउट टेंट सिटी, अभी चेकआउट प्रोसेस होना है और चलते हैं। तो हमने ना टेंट सिटी से चेकआउट कर लिया है, चेकआउट प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस हो गया था, बैगेज बहुत सारे क्योंकि सबका चेकआउट हो रहा था। अब हम जा रहे हैं धोलावीरा के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो अभी भी कई सारे जो टेंट सिटीज़ हैं जो टेम्प्रेरी स्टे बनते हैं रणोत्सव के, वो अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इस वाले का नाम वाइट रण है, एक गेटवे टू रण रिजॉर्ट था जो हमारे रिजॉर्ट के जस्ट बाजू में था, वो आप दूर देख सकते हो हट्स बन रहे, मतलब अलग अलग तरह के रिजॉर्ट्स हैं, बड़े छोटे हर तरह के। और ये वाले में भी देखो आप ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह सब इंक्लूड कर दी जा रही हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये हमारे क्लस्टर के पीछे का रास्ता है जहाँ से वाइट रन जाया जाता है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये लोकल ईटरीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको उसमें पैकेज में लेना ही कंपल्सरी होता है, आप चाहो तो लोकल ईटरीज में भी खा सकते हो। वो रहा ग्रेट रन रिजॉर्ट, मतलब सब अलग अलग नाम से हैं। और ये रही हमारी नई डेस्टिनेशन विच इज़ धोलावीरा, और वो है 87 किलोमीटर्स यहाँ से। और काला डोंगर हम कल गए थे, वो भी इसी रास्ते पे था, थोड़ा सा रास्ता बीच में चेंज हो जाएगा। कैन सी डिफरेंट रिजॉर्ट्स, और ये देखो ये ऊँट इतने सारे।
अब धोलावीरा जाके मिलते हैं। I am on the road to heaven. ये अभी 30 किलोमीटर कुछ धोलावीरा बचा है और इस एक रोड को देखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि जो रास्ता है इधर तक पहुंचने का भी बिल्कुल सिंगल लेन रास्ता है और ये एक रोड टू हेवन इसको क्यों बोला जाता है क्योंकि दोनों तरफ आपको अरेबियन सी है, अरेबियन सी के बीच में से ये रास्ता जाता है और धोलावीरा में मिल जाता है क्योंकि धोलावीरा आज की डेट में एक आइलैंड स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये दोनों साइड अरेबियन सी है, एक साइड सूख चुका है, एक साइड अभी सूखने वाला है क्योंकि ये दिसंबर में आते आते पूरा सूख जाता है, जैसा रण ऑफ कच्छ होता है वैसा ही ये बन जाता है। तो अभी भी एक हिस्सा है जो वाइट हो चुका है इसका और ये इस साइड आप देख सकते हो जो सूखा पड़ा हुआ है, ये है रोड टू हेवन। आप चलते हैं धोलावीरा जल्दी से। ये जो आप देख रहे हो ये देखो, ये अभी है ना ये हिस्सा सब सूखने वाला है, थोड़े दिन के लिए सूखेगा। वो जो दूर दूर आपको वाइट वाइट दिख रहा है वो सब भी नमक है, जैसा रण ऑफ कच्छ होता है ना वैसे ये हो जाएगा अभी अगले एक आधे महीने में। इस साइड के सी सूखा। तो ये रहा अनदर एरिया ऑफ वाइट रण। ये देखो वहाँ पे ना वो जो थोड़ा ब्राउन स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है वो पानी है और यहाँ पे वापस से सफ़ेद रण। तो कई बार क्या होता है जैसे आसपास के जो लोग हैं भाई वो लोग तो ना मतलब टेंट सिटी या कहीं जा रहे हैं, अगर सिर्फ आप धोलावीरा तक जा रहे हो तो यू कैन एक्सपीरियंस रण ओवर हेयर ऑल्सो। और यहाँ भी ये ड्रेसअप होके फ़ोटो क्लिक कराने का, और यहाँ पर मावा तक बिक रहा है वो जो हमने रास्ते में खाया था। और ये जो हिस्सा है ना ये अभी भी थोड़ा सा ना गीले ही है, ये धंस रहा है, बट ये इसी तरीके से ना धीरे धीरे करके वो समुंदर सूखता जाता है और ये ऐसे नमक बनता जाता है इसका। ये नमक भी है और साथ साथ क्या होता है कि जैसे सी वाटर में फ्रेश वाटर मिलता है तो जो झाग होता है वो भी सूखता है, तो नमक झाग सब मिलके ये रण बना देते हैं। सो ये रहा सफ़ेद रण ऑन द वे टू धोलावीरा। हम धोलावीरा पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जगह इतनी सुंदर सुंदर मिलती जा रही है बीच में, मतलब धोलावीरा पहुँचने में अभी और 20-22 किलोमीटर बचे हैं, बट जहाँ तक आप देखोगे वहाँ पे सफ़ेद ही सफ़ेद है और यहाँ पे भीड़ भी कम है कंपेरेटिवली, तो पिक्चर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। सो यू आर वेरी क्लोज। अब यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शंस वगैरह दिख रहे हैं, देखो ये रिजॉर्ट है कोई से उधर पे भी, एक जगह पे रिजॉर्ट दूर में दिख रहा था। सो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिजर्टेड हो चुकी है ये जगह, अभी कई सारे स्टे के ऑप्शंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये वाला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है बट ऑपरेशनल भी दिख रहा है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह पार्क हैं, एसी रिजॉर्ट्स। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, अभी रोड टू हेवन ख़त्म हो गया है, अब हम वो आइलैंड पे आ चुके हैं जहाँ पे धोलावीरा साइट है, सनसेट पॉइंट भी है यहाँ, फॉसिल पार्क भी है, सब है, हेलीपैड भी है, तो आपके पास हेलीकॉप्टर हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके भी। वी हैव एंटर्ड द साइट मेट्रोपोलिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो हियर वी आर एट द धोलावीरा साइट। अभी धीरे धीरे अंदर चल के समझते हैं क्या है यहाँ पे सिचुएशन, गाइड वगैरह अवेलेबल है नहीं। शायद हम गलत दिन आ गए हैं, एक स्कूल का ट्रिप भी है जो साथ में है, तो गाइड के चार्जेस कुछ हद से ज़्यादा थे, कोई गवर्नमेंट गाइड अवेलेबल नहीं है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो बोल रहे हैं कि हम आधे में आधा चार्ज कर देंगे, लेकिन आधे में वो क्या क्या छोड़ दे कोई भरोसा ही नहीं है ना, आपको क्या पता, तो इसलिए अभी देखते हैं अंदर चल के समझते हैं। जो आप देख रहे हो ये पूरी साइट का एक स्काई व्यू मैप है, देखते हैं।
जनरल व्यू ऑफ ईस्ट गेट, पैसेज व्यू ऑफ नॉर्थ गेट, ये इस तरीके से अभी हम धीरे धीरे समझते हुए करते जाते हैं। बाला परमार भैया हमें मिल गए, ये गुजरात टूरिज्म से ही बिलोंग करते हैं एंड ही इज चार्जिंग अस अ जेन्युइन रेट ऑफ 500 रुपीज फॉर द एंटायर साइट। हाँ भैया आप अपन इतने वहाँ से मनोर मानस नदी दो आती थी। हाँ मनोर नदी, मनोर मानस नदी आती थी यहाँ पे मिलती थी। ये तभी समय बड़ा सा बांध बांधा गया बांध। अच्छा तभी समय यहाँ पे बड़ा सा बांध बांधा गया। आटा पानी यहाँ से यहाँ तक जाता था, वहाँ से आटा पानी दोनों बीच कैसे टन मिल गए। तभी चारी गोल खोल बारह रीजन दिए गए, 12 रीजन में से अभी तक 5 रीजन ओपन किए गए। अभी ये कैसे उत्खनन हुआ? अच्छा 1967 में स्टार्टिंग में मनरेगा योजना का काम चल रहा, मनरेगा योजना काम चल रहा तभी समय। हाँ तभी मनरेगा जो काम बारिश होता तभी इसमें पानी आता था। बाद में इसे ऊपर 3 टाउन दिया गया, अपर और मिडल टाउन। अपर के बाद इन पीछे वाला साइड पे बड़ा सा स्टेडियम दिया गया तभी समय। स्टेडियम दिया गया जो ऊपर से जो पानी आता था। अपर के जो ऊपर छोटे रूम दिए गए, तभी ग्रेनरी दिए गए, तभी वाटर हार्वेस्टिंग दिए, तभी कुआ दिए, तभी पानी और फ्लो होकर आ जाता। तभी स्टेट दे दी गया, वहाँ पे छोटा सा वाटर चैम्बर दिया गया। तभी ऊपर चैम्बर से बाय चैम्बर यहाँ पे पानी आता था, पानी भर जाता था। पानी भर जाने के बाद पानी का यूज करना कैसे किया तभी समय यहाँ पे स्टेपल सीढ़िया तभी समय लगा गया। बाद में ये फिर रिजर्वर खत्म हो जाए पानी की दूसरी बार यूज करना, इसके लिए छोटा सा कुआ अंदर रखा गया मतलब स्टेपल। अच्छा तभी अंदर जाके पानी भरते थे। तो आपको बताओ सभी स्टार्टिंग में 1990 से 2005 में पूरा 250 की जगह पे 100 कर अभी तक काम किया। इसमें सब जगह पे 15 साल में खाली ओनली 10% काम किया। फर्स्ट में काम किया, बीच में छोड़ दिया, एंड में सब जगह पे ऐसे काम किया गया। फर्स्ट में काम किया अपर टाउन में, नॉर्थ गेट साइड में काम किया है, साउथ गेट काम नहीं किया। पूरी साइड में टोटल 3 गेट मिले अभी तक, साउथ में एक भी अभी तक गेट नहीं मिला देख मेरा। ये सब ये जो स्टेयर्स वगैरह ये सब उसी टाइम का ओरिजिनल है। यहाँ से 3 किलोमीटर गए पत्थर की, 3 किलोमीटर आगे यहाँ से पत्थर की बड़ी सी फैक्ट्री देखने मिली, वहाँ से पूरा पत्थर लाया जाता था तभी समय। अच्छा नहीं तो मतलब वो ब्रिक्स का जो डिजाइन है वो सब भी काफी अच्छा तभी समय वहाँ से कटिंग करके लाया जाता चलो। अच्छा तभी समय वहाँ से कटिंग करके लाया जाता तभी। अच्छा ये एग्जिट रहता था जो ऊपर से ओवर फ्लो गया था ना पानी, ये वाटर आविष्कार। ओके तभी समय यहाँ पे बड़ा सा मिट्टी का बड़ा सा मटका मिला, टेरा कोटा का ये पूरे जगह। अच्छा वोटरी का पूरा मटका मिला है तभी समय जी, बड़ा सा यहाँ पे सही है वोटरी का बड़ा सा मटका मिला है तभी समय। मोहटेला मरेलो डेरो टेकना वहाँ पे ज्यादातर कब्रिस्तान, मरेले का टीला ज्यादातर कब्रिस्तान वहाँ पे ज्यादातर मिला है। अच्छा ये ईस्टर्न गेट है, बाद में पत्थर को घुमा दे देंगे, बाद में पुल डाल देंगे, तभी स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ा दे देंगे। तभी समय इसका घिसने के लिए तभी भी कुछ हथियार था, तभी पर कांसा पीतल उसके अनिदार हथियार से कटिंग किया जाता था। ये थंब के ऊपर बड़ा सा पिलर लगा देते तभी समय ऊपर चढ़ जाता था। बाद में फर्स्ट में दिया ऐसे भी इधर फर्स्ट में इंटरलॉक सिस्टम दिया गया, अभी स्टेप बाय स्टेप चढ़ा दे देगा। चढ़ा देने के बाद ऊपर छत ढकने के लिए तभी से बड़ा पत्थर लाते थे, पत्थर को पत्थर बीच में जगह बढ़ती थी। तभी ये समय माल बटे डाले के लिए, देखो यहाँ इसमें माल बटे में तभी समय रहती है, ईंट है, चूना है, गुड़ है, तभी बिली पत्र दिया गया। तभी 6-7 जात का मिश्रण करके साथ ही ऊपर माल बटे तभी समय डाला जाता था। तभी समय सिर्फ क्ले यूज करते कि सिर्फ जो मिट्टी और चूना वगैरह, मिट्टी नहीं थी चूना ईंट के चूना चलता था उस जमाने में, ये देखो ना। लेकिन धीरे 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 वो ईंटों की फिनिशिंग कितनी सुधरती गई है। तभी समय इसका घड़ी का उपयोग किया जाता था। अच्छा सनडायल, ये छांव पड़ती है जैसे हम शेडो से पता चलता है कि समय कितना टाइम हुआ है,
जब भी अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे बड़े बड़े तभी वो ऐसे बोलते थे कि सिर के ऊपर एकदम सिर के ऊपर तभी समय यहाँ पे ये कहते हैं यहाँ पे 7 जनरेशन हुई, 1 से 6 जनरेशन आई, उसने चौरस मकान बनाना चालू किया एकदम चौरस चौरस मकान जो लास्ट जनरेशन थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी थोड़ा बहुत जानकार है तभी ने चौरस मकान नहीं बनाया, बाद में इसने गोड़ से भूंगा बनाना स्टार्ट किया। इसकी वजह यह तभी समय भूकंप आता रहा, अतिवृष्टि आती रही, वहाँ जुड़े जैसे जमीन आपके कच्छ की ऐसी है तभी समय भूकंप ज्यादा रहा, तभी समय लास्ट जनरेशन इसने गोड़ से भूंगा बनाना चालू किया। इसकी वजह यह गोड़ से मकान होने की वजह से भूकंप भूकंप कुछ वहाँ जुड़ा है शायद कुछ पसार हो गया दीवार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाद में ये भूंगे का बीच में स्टॉक है जैसे बीच में मकान में सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बड़ा सा तभी सभी लकड़े का लगा देगा बाद ऊपर ढक देते, तभी समय छत ढक नहीं थे छत के लिए, तभी समय यहाँ से रण में से घास वास काट के ऊपर रखते थे, बाद में ये बैठने के लिए जगह दिया गया। ये एक पत्र बड़ा सा है जो हम घर पे गर्म मसाले पीसते हैं बस इसके लिए पत्र पीसने के लिए तभी समय गर्म मसाले दिए गए। तो ये गोल घर बनाना भुज में मतलब तब से ही चल रहा है कि गोल शेप के ही होंगे अभी जो रिसोर्ट में होम स्टे में बना रहे हैं तो कच्छ के एरिया के वो कॉमन कच्छ के एरिया ज्यादा कच्छ में मिलने मिलेंगे ना यहाँ राजस्थान में देखने मिलेंगे ज्यादा। अच्छा राजस्थान में क्या रण प्रदेश में ज्यादा भोंगे में ज्यादातर वहाँ पे रहते अपर टाउन में पानी भर जाता था एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा पानी होता है यहाँ से वाटर पंप वाटर सिस्टम चला जाता ना इसका टनल ही वो सामने जिला दिन इसके पीछे भाग में दिखाया गया बाद में बाहर चला गया बाद में अंदर घुस के अंदर साफ सफाई कर सकते हैं। तीसरा भाग तभी समय युद्ध बुद्ध हुआ है तभी यहाँ से राजा कब्जे में ले यहाँ से उसके फैमिली को छुपा के यहाँ से तभी समय लिया जाता था इसके पीछे का भाग सोलह का पानी छुट्टी लेकर पीछे दिया गया का होता है वेंटिलेटर क्योंकि उसके अंदर कर्मचारी जो काम करते सफाई करने के लिए घुसते हैं इसको अंदर गर्मी पसीना में उसके बाद में आके इधर हवा ले सकते हैं इसके लिए वो वेंटिलेटर बनाया गया। साने बोर्ड में अभी तक टोटल 110 से ऊपर जो बड़े बड़े टूरिस्ट आ गए बड़े बड़े हार्ड पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं अभी तक ये 10 अक्षर का अभी तक रिकॉर्ड नहीं पाए क्या लिखा है इस समय। अच्छा कितनी गाड़ी हो गई तो यहाँ पे मिडिल क्लास घर है ये फर्स्ट में रूम 100 पे पीछे रूम दिया गया सबके इसके आगे वहाँ पे चलेंगे बीड वाला चौक का बड़ा सोप दिया है बीड वाला चौक। अच्छा आगे बढ़ते तो घर मतलब सोसाइटी का से प्लान रहते हाँ, सोसाइटी का को तभी समय यहाँ पे मार्केटिंग ज्यादातर किया जाए जैसे कभी व्हाइट रन में जैसे क्या जाए हैंडीक्राफ्ट टोल बसा दे तभी समय यहाँ पे पूरा मार्केट घर भी देखो आप पूरे वो स्क्वायर में प्लान्ड है और सोसाइटी भी पूरी जैसे रो हाउस बनते हैं अपने आगे जाएंगे तो वहाँ पे 4 रास्ता भी आता है इस तरफ इधर भी इधर 3 रास्ता आता है ये समझ कैसे आता है यहाँ पे बीड वर्कशॉप था जैसे की इधर बीड वर्कशॉप में मड़के मिले तांबा पीतल का तभी समय मेला जैसे कि अभी सोने की दुकान होते गहना बनाते तभी समय पूरा टाउन सभी टाउन का एक जगह पे गहना बनाया जाता था सबसे बड़ा बीड्स सब अपर टाउन में देखने मिला यहाँ से उनको बाद में यहाँ से और फ्लो के नीचे अपर टाउन लो टाउन चला जाता ये तभी समय बड़ा सा बांध बांध आ गया ये। अच्छा अपर टाउन में ये गेट देखने मिला एक मतलब नॉर्थ मतलब ईस्टर्न गेट देखने मिला यहाँ इनकी लिपि अभी पूरी डिकोड ही नहीं हो पाई है ना डिकोडिंग में क्या लिखा है अभी डिकोड नहीं पर करता है डिकोड करे तो शायद ये नेम प्लेट हो सकता है हाँ। या पूरा पूरा पूरे सभी समय की हिस्ट्री मतलब हो सकती है जैसे कि मतलब जो अजम्पशन पे काम चल रहा है उसकी जगह ढंग से हो जाएगा हाँ, ये बड़ा सा इंटरलॉक सिस्टम गेट बड़ा गया इसके वॉशरूम इधर देखने में रोड तो सीधा दिख रहा हूं हां वहां पे एक साथ वॉशरूम 6 से 7 वॉशिंग साथ। अच्छा तो यहाँ के घर भी थोड़े से अलग अलग शेप के टेढ़े मेढ़े से ये देखो ये चम्मच देखना है हां बेल जोत जाता है
बैल को ऐसे जारी घुमा देते पूरे साइड में, ये पूरा मिक्स होता है, मिक्स आता हो जाए वरी दूसरी बार पलटा के वरी ऐसे लगभग 4-5 बार घुमा देते तभी माल मटेरियल पूरा तैयार हो जाता है। अच्छा, तो सीमेंट बनाने का काम होता था। नमक के साथ ओपन किया, ये तीसरे नंबर का रिजर्व है, तीसरे रिजर्व सबसे पहले स्टार्टिंग में इतना रिजर्व ओपन किया, इसके बाद में इतना रिजर्व ओपन हुआ, इसके बाद में ये पूरा बड़ा सा रिजर्व ओपन हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर का इसके ये ओपन दिख रहा है, रिजर्व में चौथे नंबर का रिजर्व दिख गया, ये अभी तभी समय ओपन अभी रिजर्व ओपन हो गया, रिजर्व में से यहाँ से तभी समय टनल दिया गया, यहाँ से पानी और गया ना, ये कुआ वाला बड़ा कुआ बोला वहाँ से छह, ये कुआ स्नान करेंगे दो जगह पे। अच्छा, यहाँ पे टनल दिया गया, ये पानी यूज करने से बाद में स्नान करने के बाद गंदा पानी बचता है, तभी ये छोटा सा चैम्बर दिया गया, चैम्बर खोल के यहाँ से गंदा पानी निकल जाता था, ऐसे ऐसे पीने के लिए पानी गंदा पानी निकालने के लिए टनल दी गई, तभी पानी अपने को ठंडा चाहिए थी, पत्थर के पीछे चीनी मटी और चीनी चिकनी मटी लगा जाता था। ये मिला, ये बड़ा मटका मिला, टूटा हुआ मटका मिला, ये पोल्ट्री और टेरा कोटा है, मतलब फेंका सकते हैं, कोई एक बच्चे कभी जो खिलौना देते तभी समय पीतल कांसे पीतल और पीसेंट पोल्ट्री का सभी ये बैंगन मिला, तभी समय पीतल और कांसे का हथियार मिला किसने के लिए कटिंग करने के लिए, ये हाथी को हाथी हाथी दांत के बैंगन मिला, बड़ा सा थंब मिला अपने अभी, ये भी नहीं है, ये बड़ा थंब दिल्ली म्यूजियम इंटरनेशनल म्यूजियम में रखा गया, ये दोनों शंख मिले बजाने के, तभी ऐसे समय बड़े दरिया में पानी इधर आ गया तभी समय ये छोटे छोटे शंख मिले, छोटा कटिंग का ये पूरा शंख मिले, शंख को इसमें डाल के खूब मार के तभी समय बजाया जाता है, मिडल टाउन का ये पूरा, ये मिडल टाउन का है, ये लो टाउन का दोनों जगह, ये मिडल टाउन में इतना खुद आ गया था छोटे पावड़े ब्रश तभी सभी छोटे छोटे हथियार से यूज करते हैं, उसके वजह से अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए छोटे छोटे हथियार यूज किया जाता है। ये स्टेट गेट है, वो सामने गेट दिख रहा है, ये पहले स्टार्टिंग में जितना ओपन हुआ इतना फोटा है, उसके बाद में ये पूरा साइड ओपन हो गया, गेट स्टेट गेट पहले का पीछे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, ये नॉर्मल स्टेट सो दैट वॉज धोलावीरा साइट। अभी हम जा रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो यहाँ पे बना हुआ है उसको, और घूमते हैं वहाँ पे, सेल्फ सर्विस है, तो यू कैन सी यहाँ पे पानी वगैरह की भी अच्छी सुविधा कर रखी है, पानी है, टॉयलेट्स वगैरह अच्छे से बनाए हैं, और इट वॉज़ अ गुड डिसीजन एक गाइड, क्योंकि ये जो हमें गाइड मिले थे ये गुजरात टूरिज्म से बिलोंग करते थे, सो ही सेट 500 रुपीज़ फॉर द एंटायर ट्रिप, और इसके पहले जो लोकल गाइड्स मिल रहे थे और देवर सिंह 500 रुपये में आपको सिर्फ अपर टाउन घुमाएंगे, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन नहीं घुमाएंगे, और जो पूरी साइड घुमाने का 800 रुपीस चार्ज कर रहे थे, मेरा इन्होंने हमें 500 में पूरी साइड घुमाई है, तो आप भी कभी आओ तो ध्यान रखना। एंट्री फीस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक अपना नेम एंड नंबर की एंट्री करनी रहेगी। नाउ वील गो टू द म्यूजियम, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्यूसाइट म्यूजियम धोलावीरा। उसते ही देयर इज अ 3D मैप ऑफ एंटायर साइट, और यहाँ पे साइट प्लान भी है।
दीज आर द फॉसिल्स विच वर फाउंड, और ये मिट्टी का सामान है जो मिला है उधर पे। कई चीज़ें बहुत टूटी फूटी हैं ऑब्वियसली। मिनिएचर पॉटरी, लघु मृद्भांड जैसा लिखा है। बड़े बड़े जो पॉट्स मिले थे, पर ये बच कैसे गए मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये इतने बड़े बड़े पॉट्स थे जो मिट्टी की चीज़ें हैं अभी तक बची हुई। और ये उनकी जो लिपि थी, उनकी क्या कह सकते हैं, उनका अल्फाबेट था वो है। अच्छा एक चीज़ और पता चली थी कि है ना, ये जो लिपि होती थी, अनलाइक ऑल लैंग्वेजेस, जैसे उर्दू राइट टू लेफ्ट होती है ना, ये भी शायद राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये देखो अब स्वास्तिक जैसा सिंबल भी मिला था बीच में, उल्टा स्वास्तिक है लेकिन ये। और ये ना बहुत बार देखा गया था इस टाइम पे कि ऊपर कुछ लिखा होता था और नीचे किसी एनिमल का फोटो होता था। ये बहुत सारी जगहों पे पाया गया था, देख सकते हो आप। ये बुल है, यूनिकॉर्न जैसा भी एक स्ट्रक्चर मिला है, वो कोई एनिमल है। यहाँ पे भी ये पॉट शर्ट्स, मतलब वही पॉटरी का सामान जो था, मिट्टी की चीज़ें टूटी फूटी, ये मिट्टी के छोटे छोटे व्हील्स बने हुए थे। धोलावीरा हो चुका है, यही म्यूजियम था जो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी म्यूजियम में, वो सब मिला के ये धोलावीरा की साइट है। और अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ लंच वगैरह देखते हैं। हालत देख रहे हो धूप से कैसी हो गई, पूरी लाल पड़ चुकी हूँ। तो जब भी आओ कुछ शेड जैसा लेके आना, मतलब मैं तो ये लगाने के बाद भी रेड हो गई हूँ, बट स्टिल अब हम जाके खाना खाते हैं, देन वील हेड टू कोच नाउ।